राम राम जी सारे। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे दोपहर के टाइम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज की क्लास के अंदर आप ही लोग क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर एसएससी जीडी का जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका 17/11/2021 को जो आपका शिफ्ट नंबर 2 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आप आज की वीडियो के अंदर है कवर अप करने का पूरा प्रयास करेंगे। सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो भी उसके उस पेपर के अंदर आए थे, यानी कि टोटल उसके अंदर 25 आए थे, आप 20 से 21% करेंगे। इन प्रश्नों को करने के बाद आप लोगों को ये समझो ये आप लोगों का एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये लगाने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम हो लगभग आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके से। आगे बात समझें। अब एक तो जैसे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अपने अपने फ़ोनों को पहले बता देता हूँ मैं, वाइब्रेशन पे लगा लो ताकि ये घूँ घूँ भी कम बोले, वाइब्रेशन पे भी नहीं साइलेंट पे लगाओ, वाइब्रेशन पे ये ऐसे बोलेगा, इसकी बजाय इसको उस पे साइलेंट पे लगाओ ताकि आपकी कोई भी महिला मित्र का हेलो के आगे दो दिल वाला मैसेज ना आए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते, जैसे कई मतलब कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, बाद में करेंगे बात। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ डिवाइड हो और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसको सोल्व करना है क्या आएगा, इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो देखो कैसे करना है। 43-2 जैसे इसको यहाँ पर लिख लो, 43 माइनस की जगह आपका क्या निशान लगाना, आपको माइनस की जगह आपको गुणा का निशान लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको गुणा का लगाना है, गुणा में 2। गुणा की जगह आपको किस चीज़ का निशान लगाना है, गुणा की जगह आपको लगाना है डिवाइड का निशान, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका डिवाइड, डिवाइड पे क्या है आपका 2। उसके बाद क्या लगाना आपको, उसके बाद आपको लगाना है प्लस का निशान, प्लस की जगह आपको क्या लगाना है, प्लस की जगह आपको लगाना है माइनस का निशान, यानी कि माइनस का 8। और अब बराबर में बताना है क्या आएगा, इसको सोल्व कर दो, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिवाइड वाला सोल्व करना है, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करो, यानी कि 43 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1-8 बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी होती है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, पहले मल्टीप्लीकेशन करो, यानी कि 43 का 43-8 बराबर में क्वेश्चन मार्क, और 43 के अंदर से अगर आप लोग 8 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा, 35 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। कई जैसे जो महिलाएं होती हैं जो क्लास लेती हैं, मतलब मैं और नहीं बात नहीं कर रहा, कोई होती है जैसे कि स्कूल के ज़माने में भी होती थी और होती थी, मान लो कोई केमिस्ट्री की टीचर है या कोई फिजिक्स की टीचर है या फिर कोई मैथ की है या फिर कोई मान लो रीजनिंग की, लगा लो हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, आप लोगों को पता है एक्चुअली वो क्या है ना, मैं ना आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास लेने आई हूँ, आप लोगों को पता है रीजनिंग के क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसी से भी हुआ है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जमानू घिसड़ना हो जाएंगे जमानू फ्रेंड्स। अगला देखो भाई क्या है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ है, 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं, 2 पंक्ति हैं आपकी, 6 जने हैं आपके, 1 2 3 2 लाइन है आपके पास, 2 लाइन और दोनों के अंदर टोटल कितने जने बैठे हैं, 3 जने बैठे हैं, टोटल आपके 6 जने बैठे हैं दोनों पंक्तियों के मिला के। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, जो ई है ई आपका यानी कि कोई भी, ये आपकी 2 लाइन है, ये आपकी लाइन नंबर फर्स्ट लिख लो, लाइन फर्स्ट लाइन सेकेंड ई है, ई आपका किसी भी पंक्ति यानी कि कोई सी भी लाइन के लास्ट में नहीं है, यानी कि ये भी आपका लास्ट हो सकता है, ये भी लास्ट हो सकता है, ये भी लास्ट हो सकता है, ये भी लास्ट हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ लास्ट के अंदर ई आपका कोई सी भी लाइन में नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर मतलब कि ई हमेशा आपका बीच में ही आना है, तो आप कोई सी भी लाइन के अंदर बीच में ले सकते हो, मैंने ले लिया आपका ऊपर वाली लाइन के अंदर बीच में, किसको लिख लिया मैंने, ऊपर वाली लाइन के अंदर बीच में मैंने ई को लिख लिया, ई लिख लिया भाई। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या, डी है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी है एफ के बाईं ओर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, यानी कि डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि एफ अगर आपका यहां पर है तो इसके बाईं ओर का मतलब इसके लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर कौन आपका, डी है, और यही संभावना आपकी सेम टू सेम इस लाइन के अंदर भी हो सकती है,
ये संभावना तो आपकी दोनों लाइनों के अंदर होती है, लाइन वन के अंदर भी, लाइन टू के अंदर भी, कोई से के अंदर भी कहीं पे हो सकता है। उसके बाद क्या है, सी ई का पड़ोसी है तथा डी से विकर्ण अंत बैठा, सी है वो ई का पड़ोसी है, यानी कि सी ई का पड़ोसी है, तो यानी कि यहां पर आपका एफ और डी नहीं आ सकते, यानी कि एफ और डी आपके कहां पर आने थे, यहां पर आने थे, तो यानी कि इनको मिटो दो आप लोग। आपको इसी टाइप से करना सवाल, तभी जाके बात बनेगी। यानी कि क्या आपका सी है, सी है आपका एफ का पड़ोसी, ओ सी है वो आपका किसका है, ई का पड़ोसी है, तो यानी कि सी को लिख दिया मैंने यहां पर, यहां पर भी लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, कोई सी तरफ लिख लो। उसके बाद क्या है, डी का विकर्ण अंत, विकर्ण अंत का मतलब क्या है, इसके अपोजिट में बैठा है, इसके अपोजिट में बैठा है सी है वो मतलब आपका ई का तो पड़ोसी है और डी के अपोजिट में बैठा है, तो अपोजिट में बैठा है, सही। उसके बाद क्या है, बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है बी आपका एफ का पड़ोसी है, यानी कि बी को यहां पर बीच में लिखो, तभी तो बी एफ का पड़ोसी बनेगा, लिख दिया। उसके बाद क्या है, बी के सामने कौन है, तो बी के सामने पूछा है, तो बी के सामने आपका कौन है, बी के सामने आपका ई है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। बी के सामने कौन है आपका, बी के सामने आपका ई है, ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे समझ में, अगला सवाल देखो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द है उसके युग्म का, यानी कि जोड़ों का, जोड़े होते, जोड़े सुने होगा, प्रेमी जोड़े जो पार्कों में बैठे रहते हैं, उसी टाइप से बताना है कि भाई इनको जोड़े बनाने पर जोड़े किस टाइप से हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का संबंध तेलुगु से, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है, उसी टाइप से आप लोगों को संबंध बताना है, तो उसी टाइप से केरल के अंदर कौन सी बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बाकी सारे गलत है। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करने में आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी, गायब संख्या, इसको फाइंड करनी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 17 नवंबर 2021 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आए हुए हैं। जैसे 12 का संबंध 24 से किस टाइप से है, 12 दुनी 24 गुणा 2, और इसका संबंध मतलब 36 का संबंध 12 से कैसे है, 12 तिया 36 यानी कि गुणा 3। उसके बाद 16 का संबंध 32 से कैसे है, गुणा 2। 16 का संबंध 48 से कैसे है, गुणा 3, 16 3 48। उसी टाइप से आपका यहां पर हो जाएगा, यानी कि 18 2 18 2 36 और 18 3 54, यानी कि 2 8 16 2 1 2 1 3 18 2 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 36 का यूज है वो होगा भाई, ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह किसका यूज होगा, 36 का यूज होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला के उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, भाई ये प्रश्न आकृति है, यानी कि ये वाली जो आकृति है इसके अंदर से कौन से ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है देखना, तो आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर छिपी हुई है, ये आप लोग देख लो कैसे, जैसे ये रहा ये पोर्शन रहा आपका और ये आपका ये रहा, ये जो मैंने हाईलाइट कराया है ये पोर्शन देख लो आप लोग, यही पोर्शन है, तो ये वाली जो आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। अगला देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन, यानी कि इसके अंदर भी आप लोगों को जोड़ा सिलेक्ट करना, जैसे ओली का संबंध है, ओली का संबंध आपका किस चीज से है, रंग से है, ओली का संबंध किससे होता है आपका, रंग से होता है, तो उसी टाइप से दिवाली का संबंध आपका किस चीज से होता है, प्रकाश से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक कूट भाषा, कूट भाषा का मतलब एक गुप्त भाषा है, गुप्त जैसे गुप्त अलग अलग चीजें होती है, गुप्त भाषा भी होती है, गुप्त बातें भी होती है, गुप्त बीमारी भी होती है, तो उसी टाइप से एक निश्चित कूट भाषा में, यानी कि गुप्त भाषा के अंदर जिम को 2275 के रूप में है रिप्रेजेंट कराया है, उसी टाइप से किट को है किस कोड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया। अब जैसे जिम है, जिम के अंदर जैसे इसको कोडिंग दे भाई आप, जैसे जिम, जिम है ये, जी कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है, वाई है, वाई कितने नंबर पर आता है, वाई आपका आता है ए बी सी डी एफ जे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, सुना हुआ था ना, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई जेड, तो यानी कि वाई आपका 25 नंबर पर आता है, एम आपका 13वें नंबर पर आता है। अगर आप इन सब की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो करना एक बार इन सब की मल्टीप्लाई, 25 सत्ता 25 पंजा 125 25 छिक्का 150, 25 सत्ता 175, यानी कि हो गया आपका 175, 175 की और 13 की गुणा और कर दो। उसके बाद अगर आपका ये आता है, 13 पंजे कितने होते हैं, 65, 86, 13 सत्ते 91, 91 और 6 कितने हो गए, 97,
यानी कि आपकी 9 हासिल, 13 एकम 13, 13 और 9 कितने हो गए आपके 22, यानी कि 22 75 आ गया आपका। यानी कि आप लोगों को क्या करना, जो भी ये वर्ड है, जो भी ये आपको दे रखे हैं ABCD के अल्फ़ाबेट, इनके आप लोगों को नंबर लिखने और उनके आपसने में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। उसी टाइप से आपको किट का करना है। किट के अंदर देखो आप लोगों को क्या रचना रचनी है, KI और T। टी कौन से नंबर पर आता है आपके, 20वें नंबर पर आता है। के कौन से नंबर पर आता है आपके, देखो भाई ABCD EFGHIJK के आता आपके 11वें नंबर पर। उसके बाद आपका I आपका आता 9वें नंबर पर, ठीक है। 11 निम्मा कितना हो गया 99, 99 गुणा में कर दो 20, यानी कि 0 की 0 2 निम्मा 18 2 निम्मा 18 1 19, यानी कि 1980। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलो, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ये वही है जैसे एक आपका आईट वाला क्वेश्चन नहीं आता था भाई, इसकी आईट इससे बड़ी है, इसकी आईट इससे बड़ी है, इसकी आईट उससे, तो उसी टाइप से ही आप लोगों का। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यहाँ पर लिख दो PR, मतलब जिसने अधिक अंक प्राप्त किए उसको ऊपर लिख दो, जिसने कम करे उसने नीचा लिख दो। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। भाई यमुना कहीं पर भी लिख लो, यहाँ पर लिख लो, ऊपर यमुना और दिव्या ने हैं बराबर अंक प्राप्त करें तो इकट्ठे लिख दिए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए तो यानी कि नीचा लिख दिया। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यह तो लिखे दिया भाई, राहुल ने यमुना से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मंजू ने दिव्या से कम अंक हैं प्राप्त किए, यानी कि मंजू ने अगर आपके दिव्या से कम अंक प्राप्त किए हैं तो मंजू आपकी यहां पर लिखी जाएगी, और एल है, एल आपकी जो थी क्या थी, लोकिता, वो भी आपकी सबसे नीचे लिखी जाएगी। तो सबसे कम अंक है किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक आपकी लोकिता ने प्राप्त किए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाए। इसको इस टाइप से आप लोगों को सोल्व करना है। अगला देखो, अगला की उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखी जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल खाता। भाई ये आपका मिरर रखा हुआ है, इस मिरर के इस तरफ है आपकी क्या इमेज बनेगी, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरफ आपकी इमेज बन जाएगी इस टाइप की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, एक हॉल आएगा, ये ऊपर से कटा हुआ है थोड़ा, क्वेश्चन क्या है देखो, प्रश्न देखो, एक हॉल में 7 बच्चे हैं भाई, 7 बच्चे एक हॉल में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। एक हॉल के अंदर 7 बच्चे हैं, PQRSTUV, वे 3 बेंच पर बैठे, भाई 3 बेंच आपके, 3 बेंच बना लो भाई, एक हॉल के अंदर 7 बच्चे हैं और 3 बेंच पर बैठे हुए हैं, ये लिख दिया आपका बेंच नंबर 1, ये आपका बेंच नंबर 2, ये आपका बेंच नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक, वो इस प्रकार से बैठे कि प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 बच्चे बैठे हैं, यानी कि हर एक बेंच पर 2-2 बच्चे बैठे हैं, यानी कि मैंने लिख लिया 2-2 बच्चों की मोर, ऐसे हर एक बेंच पर आपके 2-2 बच्चे बैठे हैं, कम से कम है हर एक बेंच पर 2 बच्चे, यानी कि टोटल 7 बच्चे हैं, तो यानी कि एक बेंच पर तो 3 बच्चों को बैठना ही पड़ेगा, बट टोटल आपके पास 7 बच्चे हैं, देख लो 7 बच्चे दिए गए हैं, हर एक टोटल आपके पास बेंच 3 हैं, और हर एक बेंच पर कम से कम 2 बच्चों को जरूर बैठना, तो 2 यहां पर बैठ के, 2 यहां पर बैठ के, तो बचे हुए एक बच्चा और बच गया फालतू, तो यानी कि वो तो इसी बेंच पर फंसेगा, यानी कि एक बेंच पर आपके 3 बच्चे भी बैठेंगे। और क्या दे रखे, और हर एक बेंच पर कम से कम एक लड़की जरूर बैठी है, हर एक बेंच पर, यानी कि आपके समझो जैसे यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर इनमें से एक लड़की जरूर मिलेगी, इन दोनों में से एक लड़की जरूर मिलेगी, इन तीनों के अंदर से भी एक लड़की है आपकी जरूर मिलेगी, ठीक है। यानी कि हर एक बेंच पर एक लड़की तो कंपलसरी है। आर जो कि एक लड़की है, PT और S के साथ नहीं बैठती। R है, R आप कोई भी मान लो भाई, R क्या है, R आपकी एक लड़की है जो कि आपकी PT और S के साथ नहीं बैठती। PTS को अलग से लिख लो भाई, PTS है इसके साथ आपकी कौन है, R नहीं बैठेगी, R एक लड़की है, यानी कि एक लड़की है, तो लड़की तो आपकी इनमें से कोई सी भी हो सकती है, इस बेंच पे बिठा लो लड़की को, चाहे इस बेंच पे बिठा लो, मैंने इस पे बिठा दी भाई, R आपकी यहाँ पर बैठी एक लड़की है, बैठगी। उसके बाद क्या है, एक लड़का यू केवल क्यू के साथ बैठता है, एक लड़का यू है वो केवल क्यू के साथ बैठता है, तो यू को आप मतलब कि केवल क्यू के साथ बैठता है, तो यानी कि क्यू क्या है, क्यू आपकी एक लड़की होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, एक बेंच पर कम से कम 2 बच्चे बैठेंगे जिसके अंदर से एक लड़की कंपलसरी है, तो अगर लड़का यू है तो वो केवल क्यू के साथ बैठता है, तो यानी कि क्यू क्या है, क्यू आपकी लड़की है, तो यानी कि मैंने मान लिया लड़का, यहाँ पर मान लिया लड़का आपका क्या है, लड़का है आपका
एक लड़का यू, यू हो गया ये, जो कि एक लड़की के साथ बैठता, लड़की का क्या नाम है क्यू, तो यानी कि ये भी आपकी क्या होगी, एक लड़की होगी। उसके बाद क्या, पी बेंच नंबर एक पर अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बैठता है। बेंच नंबर एक पर कौन बैठता है, पी बैठता है, और किन के साथ बैठता है, अपने घनिष्ठ मित्र, उसके जो सगे संबंधी जो मित्र हैं उनके साथ बैठता है, आपको पता नहीं है कौन से मित्र हैं। उसके बाद क्या, वी है बेंच तीन पर बैठा या बैठी है, वी है, वी बेंच नंबर अगर तीन पर बैठा है तो बेंच नंबर तीन पर तो हमने आर, आर तो एक लड़की ली है, आर क्या ली है, एक लड़की ली है। इसने दे रखा भाई वी है बेंच तीन पर बैठा है, लेकिन ये नहीं पता भाई वो लड़का है या लड़की है, इसने दिए रखा है, तो अपने को पता भाई एक लड़की जरूर बैठेगी, तो दूसरा तो लड़का ही आएगा, यानी कि वी क्या है, वी आपका लड़का है जो कि बेंच नंबर तीन पर बैठा है। उसके बाद क्या है, टी है आर का भाई है, टी है आर का भाई, आर एक लड़की है, तो टी, टी बचा हुआ व्यक्ति कहां पर बैठेगा, टी बचा हुआ व्यक्ति तो यहीं पर बैठेगा, यानी कि टी आ गया आपका यहां पर, टी क्या है आपका आर का भाई है, यानी कि टी क्या है, एक टी एक लड़का है, टी क्या है एक लड़का है। उसके बाद क्या है, आर के साथ कौन बैठा है, आर के साथ कौन बैठा है, आर के साथ वी बैठा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। बचा हुआ जो एस है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पी टी एस यू के, और इस टाइप से आप लोगों को ये सीरीज बनानी थी और इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को निपटाना था, ठीक है, समझने वाला और इंपॉर्टेंट पर्सन था, आगे बात समझ में भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। भाई उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। अब 43 के अंदर कितने जोड़ेंगे, 55 बन जाए। अगर हम लोग 43 के अंदर अगर हम लोग कितना, जैसे इसका डिफरेंस देखो, तीन में पाँच में से तीन गया दो, पाँच में से चार गया एक, यानी कि 12। अगर हम 43 के अंदर अगर 12 जोड़ते तो कितना बन जाता है, 55। अब इसके अंदर इसका डिफरेंस फाइंड करो, तो इसका डिफरेंस आएगा 24, इसका डिफरेंस आएगा 36। तो यानी कि आपका एक तरीके से 12 की जो टेबल है वो आपकी चलने लग रही है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपके क्या आएगा, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी कि इसके अंदर 48 जोड़ना, 8 और 5 कितने हो गए 13, जिसके आखिरी में 3 हुआ, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 163 विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरीके से समान हैं। चार आप लोगों को ये दे रखे हैं ऑप्शंस, जिसके अंदर से क्या तीन ऑप्शन आप लोगों के समान हैं जबकि एक अलग है, तो जो सा अलग वाला है उसकी पहचान करनी है। अब क्या, जैसे ये गेट है, जी ए टी, जी ए टी है, इसके अंदर क्या, जो जी है, जी आपका शुरू से जो आपकी मतलब ए बी सी डी की गिनती करते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, जी किस नंबर पर आता है, जी आपके सातवें नंबर पर आता है। और अगर आप लोग ए बी सी डी की गिनती अगर आप लोग उल्टी तरफ से करते हो, जैसे आपका लास्ट में क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी कि जेड को 1 मान लिया, वाई को 2 मान लिया, एक्स को 3 मान लिया, यानी कि अगर आप लोग उल्टी तरफ से अगर ए बी सी डी की गिनती करते हो तो टी भी कौन से नंबर पर आता है, सातवें नंबर पर आता है, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। उसी टाइप से W और D, ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी टाइप से E और V, ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन D और T है एक दूसरे के उल्टे नहीं, क्योंकि T के उल्टा तो क्या आएगा, G आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मेल नहीं खाता। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में ई एम टी डब्ल्यू एक्स को है एक्स डब्ल्यू टी एम ई के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड के अंदर पी वाई एस सी आई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये प्रश्न पूछ रखा है। देखो बिल्कुल आसान सा है, कुछ दे ही नहीं रखा है इसके अंदर, तो प्रश्न देखो क्या है, ई एम टी डब्ल्यू एक्स, इसको कैसे लिखा गया है, एक्स डब्ल्यू टी एम ई, इसी टाइप से लिखा गया भाई इसको, ठीक है। अब जैसे देखो इसके अंदर क्या क्या कुछ परिवर्तन ही संसार का नियम कर रखा है, टी के अपोजिट टी है, M के अपोजिट M है, W के अपोजिट W है, E के अपोजिट E है, X के अपोजिट X है, यानी कि उल्टा सांग रच रखा है, तो उसी टाइप से इसको करना है। इसको लिखोगे P Y S C I, यानी कि S के अपोजिट आपका S है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका Y के अपोजिट यहाँ पर Y आएगा, यहाँ पर C आएगा, P यहाँ पर आएगा, I यहाँ पर आएगा, यानी कि I C S Y P, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ इसके अंदर लफड़ा था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी तरीके से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करना भाई जो सबसे अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा झारखंड। झारखंड एक राज्य का नाम है, बाकी दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, ये तीनों की तीनों क्या आपकी राजधानियां हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, चेन्नई आपकी के उसके क्या बोलते हैं तमिलनाडु की राजधानी है, दिसपुर आपकी असम की राजधानी है।
आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दिए गए मतलब इसको पूर्ण करेगी, कौन सी आकृति है इस सारी की सारी श्रृंखला को पूर्ण करेगी, ये दे रखे। देखो भाई आपकी कौन सी आकृति कर सकती है इसको पूर्ण, आपकी ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठेगी। अगला देखो, अगला क्या, लुप्त पद ज्ञात करें, लुप्त संख्या है ज्ञात करनी, इसके अंदर देखो भाई आपकी क्या सीरीज है, क्या कुछ रूल है चलाया गया है, ये देखो भाई आप इसके अंदर आप लोगों को लुप्त जो है वो चीज बतानी है क्या है। इसके अंदर डिफरेंस देख लो कितने कितने का चलने लग रहा है, 119 और 109 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 109 और 89 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 89 और 59 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। यानी कि अगले के अंदर से अगर आप लोग 40 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 59 के अंदर से अगर आप लोग 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो भाई, दो तीन प्रश्न और रह रहे, ध्यान से कर लो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे ए का संबंध आपका आई से है, ए का संबंध आपका आई से किस टाइप से है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी आई, यानी कि सात, यानी कि अगर मैं ए के अंदर अगर सात जोड़ देता हूं तो आपके पास क्या आता है, आई आता है। ई के अंदर मैं कितने जोड़ू कि एम आई, यानी कि ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी कि अगर मैं ई के देखो एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी कि अगर मैं ई के अंदर अगर आठ जोड़ देता हूं तो कितने आते हैं मेरे पास, मेरे पास एम आ जाता है। तो उसी टाइप से एच एच के अंदर सात जोड़ दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि ओ ओ वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर तो गलती है भाई कहीं पर, ओ तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं गलती तो नहीं करी, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, अरे आठ ही जुड़े मैं सात नहीं, सॉरी गलती से आठ, आठवें नंबर पे है। तो उसी टाइप से यहाँ पर एच के अंदर भी आठ जोड़ो, एम एन ओ, ओ के बाद आएगा पी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पी और टी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर क्या आया आपका, पी आया है भाई, एच के अंदर अगर आठ जोड़ोगे तो पी है, और पी किसके अंदर है, एक ही ऑप्शन के अंदर है पहले नंबर पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें, जैसे 47 का संबंध आपका 15 से है, उसी टाइप से 19 का संबंध किससे हो, 47 का संबंध 15 से कैसे है, 15 गुणा में 2, 15 दूनी 30, या फिर 15 तिया पे करो, 15 गुणा में 3, 15 तिया 45 प्लस में 2 47, यानी कि 15 तिया 45 हो गया, प्लस में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 47, यानी कि ये आने लग रहा है, इसका संबंध इससे ये है। उसी टाइप से 19 का अगर निकालोगे तो 19 गुणा में 3 प्लस में आपका 2, इस हिसाब से करना, यानी कि 19 तिया कितना होता है, 19 तिया 57 और 2 कितना हो जाएगा आपका 59, ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, अगला इसके बाद एक प्रश्न हो रहा है लास्ट, निम्नलिखित प्रश्न में पारदर्शी सीट पर अंकित एक आकृति दी गई है और उसके बाद चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं भाई, इन चार विकल्पों में से एक आकृति से मिलता जुलता है जो कि बिंदुदार रेखा के साथ पारदर्शी सीट को मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, उस विकल्प का चयन करें, यानी कि अगर हम लोग इस सीट को ऐसे मोड़ दें तो हमें कौन सी आकृति है प्राप्त होगी, प्रश्न पूछ, जैसे इसके अंदर ये सारी की सारी लाइनें सीधी हैं, इधर भी ये सारी सीधी हैं, तो अगर हम इसको इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास आकृति कैसी बनेगी, अगर हम इसको अगर इकट्ठा कर देते हैं तो आपके पास आकृति बनेगी कुछ इस टाइप की, जिसके अंदर ये सारी लाइनें क्या होंगी आपकी, सीधी 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 आएंगी, इसके अंदर लाइन ने आपकी टेढ़ी टेढ़ी दे रखी है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसके अंदर ऐसे तिरछी तिरछी दे रखी है, ये भी नहीं आएगा, इसके अंदर ऐसे बना रखे है वी सा, ये भी नहीं आएगा, इसके अंदर सीधी दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए है फोल्ड करने के बाद अपने को मिलेगा। अगला क्या, नीचे दिए गए चित्र की सभी ज्यामितीय आकृति में मौजूद कौन सी संख्या समान है, जैसे ट्रायंगल दे रखा है, सर्कल दे रखा है, और ये आपका ये एक तरीके से चपटा यानी कि अंडे की तरह की आकृति दे रखी है, तो इसके अंदर ये बता रखे, ये पूछ रखा है कौन सा जो अक्षर है आपकी, कौन सी संख्या है वो सब के अंदर कॉमन दे रखी है। अब जो पांच है, पांच सब के अंदर कॉमन है, साफ साफ दिखने लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, पांच आपका ट्रायंगल के अंदर भी आने लग रहा है, पांच आपका सर्कल के अंदर भी आने लग रहा है, पांच आपका इस अंडे के अंदर भी आने लग रहा है, पांच ट्रायंगल के अंदर भी आने लग रहा है, तो यानी कि पांच सब के अंदर कॉमन है, ऑप्शन नंबर इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई क्लास का, देखो उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा, ये क्या दे रखे हैं आपको, वोवल्स दे रखे हैं, ए ई आई ओ यू,
ए ई के बाद आ गया आपका आई, फिर ई आई आपके कट्ठे लिख लिए, फिर ले आ गया ओ, ए ई आई ओ यू, फिर आई ओ कट्ठे ले लिए, फिर ले आ गया आपका यू। अब क्या करना है, अब आपको ओ यू लेना है, ओ यू कट्ठा लेना है, उसके बाद आ जाएगा आपका ए, तो यानी कि ओ यू ए आपका कौन सा जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। तो ये थी भाई आप लोगों की आज की रीजनिंग की क्लास, ठीक है, 23 मिनट के अंदर क्लास, क्योंकि समझाने के अंदर भी तो टाइम लगा है, बाकी आप लोग अगर रीजनिंग को करो ढंग से प्रैक्टिस करो तो 20 से 21 मिनट के अंदर आप लोग SSC GD की रीजनिंग आराम से सोल्व कर सकते हो, इतना ही टाइम आपको पेपर के अंदर देना है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खै जाओ फटाफट अभी आता है।